समय स्मार्टफोन मार्केट में सिर्फ दो ही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का दबदबा है, एक एंड्रॉइड और दूसरे iOS। हम चाहकर भी कोई दूसरा विकल्प नहीं चुन सकते हैं, मगर कुछ समय के बाद हमारे पास एक और विकल्प हो सकता है। दरअसल भारत सरकार अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली है, जिसका नाम होगा इंडोस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का मुख्य उद्देश्य गूगल के एंड्रॉइड और एप्पल के iOS को टक्कर देना है, साथ ही यूजर्स को ज्यादा सेफ एक्सपीरियंस देना भी। इस समय गूगल की एंड्रॉइड में 97% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, वहीं गूगल के मुकाबले एप्पल की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। एक अधिकारी का कहना है कि इस समय भारत मोबाइल बाजार का सबसे बड़ा देश है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देशवासियों को एक सुरक्षित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दें। यह बात अभी इसलिए आई है क्योंकि इस समय गूगल जांच के घेरे में है। इस पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने एक एंड्रॉइड प्ले स्टोर के कथित रूप से दुरुपयोग के चलते पहले ही जुर्माना लगा दिया है। गूगल को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे अपना एकाधिकार को कम करने के लिए डेवलपर ऐप को साइड लोडिंग की मंजूरी दें। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि साइड लोडिंग क्या होती है। दरअसल पहले ऐप बनाने वाले के पास गूगल प्ले स्टोर ऐप पे डालने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उन्हें गूगल की सुरक्षा गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता, लेकिन अब वे प्ले स्टोर पर डायरेक्ट ऐप डाल सकते हैं। इस समय मोबाइल निर्माता कंपनी सिक्योरिटी देने के मामले में बुरी तरह से फेल हो रही है। इस पर मोबाइल निर्माता कंपनियों का कहना है कि फोन की सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी गूगल की है, क्योंकि एंड्रॉइड उसी का प्रोडक्ट है। इससे पता चलता है कि गूगल कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देने के मामले में फेल हो रहा है। इसी बीच देशी मोबाइल कंपनियों की निर्माता कंपनियों ने सरकार की स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम इंडोस की सराहना की है।